हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेंशन के जो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ कंसर्न के लिए लाई जा रही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो अदर टॉपिक दैन BMW's अपकमिंग ऑटो बैलेंसिंग बाइक। दोस्तों BMW ने एक ऐसा बाइक लॉन्च किया है जो अभी तक रोड में नहीं, बस शो में ही दिखाया गया है, जो स्टेज में दिखाया गया है, जो एक शोकेस की तरह दिखाया गया। हाँ, लेकिन उसने एक कंसेप्ट लाया है जिसमें एक बाइक अपने आप को ऑटो बैलेंस कर पाएगी। दोस्तों ये रहा ना बिल्कुल चौंकाने वाला। दोस्तों आपने इसके बारे में न्यूज़ पहले भी सुन चुका होगा, लेकिन आज हम इसे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके तथ्य को खोजेंगे, क्योंकि हमारा डिस्कस करना ही सबसे बेहतर है। और दोस्तों एक बात और आपको याद दिला दूँ, क्योंकि अब हमारे चैनल में वही दिखाया जाएगा जो जनता डिमांड करेगी, क्योंकि जनता की डिमांड अब दौड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम BMW की अपकमिंग ऑटो बैलेंसिंग बाइक को जानने के लिए एक वेबसाइट पर जाते हैं। उसका नाम है oversmart.co। उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में दे दूंगा, उसके URL भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो वेबसाइट, जो पेज, जो ब्लॉग हम पढ़ने वाले हैं उसका भी मैं स्पेसिफिकली उसका URL भी नीचे दे दूंगा। अगर आप उसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम उस वेबसाइट पर चलते हैं, oversmart.co। इसमें आप देख सकते हैं इसका टाइटल ही है BMW's अपकमिंग ऑटो बैलेंसिंग बाइक, और ये आप इसका सबसे पहला फ्रंट इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये इमेज बड़ा ही घातक, बहुत ही कमाल का है। दोस्तों ये आप इसे देखने ही से कुछ नहीं लग रहा है कि ये अपने आप बैलेंस हो पाएगा। दोस्तों इसका कुछ स्ट्रक्चर वैसे ही दिख रहा है, कुछ जैसे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं ना दोस्तों, जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, बर्ड क्यों फ्लाई कर पाती है, एयरप्लेन क्यों फ्लाई करता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर आगे से बिल्कुल पीछे एकदम नैरो है, आगे से थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा विंग टाइप का है स्ट्रक्चर। तो ये एक तो हो सकता है ऑटो बैलेंसिंग के लिए ये कंसेप्ट यूज़ हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम पहले इसे पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें एक वीडियो भी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब से भी देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम टाइम बर्बाद किए बिना BMW के बारे में पढ़ते हैं। BMW की जो ऑटो बैलेंसिंग बाइक है, कैलिफोर्निया में इसे एक मॉडल की तरह दिखाया गया है, ये अभी तक रोड में नहीं लाया गया। तो दोस्तों इसमें यहाँ दिखाया गया है कि कैसे ये अपने आप को ऑटो बैलेंस कर पाएगा, इसके पीछे इसका क्या तथ्य है उन्होंने इसे नहीं बताया, बस बताया कि ये क्योंकि अक्सर दुनिया में जितना भी डेटा आता है एक्सीडेंट में मरने वालों को, सबसे ज़्यादा मौत होती है मोटरसाइकिल चलाने वाले, मोटरसाइकिल यूज़ करने वाले लोगों का, क्योंकि मोटरसाइकिल में अक्सर लोगों का अक्सर ये देखा जाता है कि आगे कोई बच्चे के आ जाने से, कोई जानवर के आ जाने से, या बरसात में फिसल जाने की वजह से मोटरसाइकिल से लोग गिरते हैं और वो इतनी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है कि मोटरसाइकिल अपने आप बैलेंस होगा, आप जितना भी गिराने की कोशिश कीजिए वो नहीं गिरेगा, वो बैलेंस होगा, और हम तो गिराने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप गिरता है। तो दोस्तों ऐसा अगर कभी आपके साथ किस्मत में आए कि आप गिरने वाले हैं, फिसलने वाले, ये बाइक आपको अपने आप बैलेंस कर लेगी। तो इसके पीछे तथ्य ये है दोस्तों कि BMW का जो बाइक है वो उसके आगे और पीछे वाले सेंसर में, आगे और पीछे वाले बाइक में, बाइक के चक्के में एक सेंसर लगा हुआ है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहती है, वो एक लीनियर पाथ में रहती है। अगर एक चक्का थोड़ा सा भी फिसलता है तो दूसरा कम्युनिकेट करके उसी एंगल में चल जाता है और आपका बाइक मुड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप उसे मोड़ रहे, वो गिरेगा नहीं दोस्तों, फिर वो सीधा होगा तो पीछे वाला भी सीधा होगा। बोलते हैं ना कि एक कम्युनिकेट कर रहा, दूसरे उसके पीछे भी चल रहा, पीछे मुड़ रहा है, पीछे वाला मुड़े तो आगे वाला भी मुड़े, आगे वाला मुड़े तो पीछे वाला मुड़े, तो कैसे गिरे। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट में ये बाइक काम करता है, जितना मुझे मालूम चला इस ब्लॉग को पढ़ के, यही है कि आगे और पीछे वाले बाइक के चक्के में एक सेंसर लगा हुआ। आपको मैं इसमें दिखा भी देता हूँ एक बार। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, देर आर नो ट्रेडिशनल शॉक अब्जॉर्बर्स, द टायर स्मूथ द राइड ऑल बाई देमसेल्फ, दे ऑल्सो हैव अ वेरिएबल ट्रेड दैट एडजस्ट इटसेल्फ टू सूट द डिफरेंट रूट्स। इनके पास हर तरह के वेरिएबल ट्रेड है जो डिफरेंट रूट्स को भी सूट कर सके, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ शहर के प्लेन रोड में चले, ये कैसे भी रोड में चल सकते हैं और वहाँ भी ये अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो बैलेंसिंग बाइक है, आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, पर एक गॉगल्स की ज़रूरत पड़ेगी जब विंड मतलब हवा, बग्स मतलब छोटे छोटे कीड़े को और धूले मिट्टी को आपके आँखों में आने से बचाएंगे, क्योंकि ज़रूरत सी बात है, जब ऐसी मोटरसाइकिल हो तो स्पीड चलेगी और हवा से और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी से तो बाइक बचा नहीं सकती, तो हमें इसके लिए गॉगल पहनने की ज़रूरत पड़ेगी और हेलमेट को ये कम्प्लीटली हटा देगा, क्योंकि ऑटो बैलेंसिंग बाइक का गिरने का कोई सवाल नहीं उठता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नया डिस्कवरी है, नया इन्वेंशन है, ये हमारे, ये मैन लाइफ के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों को एक्सीडेंट होने वाली, बाइक से होने वाले एक्सीडेंट में मौत बहुत ही ज़्यादा रुक जाएगी दोस्तों। आज में हमने डिस्कस किया कि BMW
कैसी बाइक है, इसके पीछे क्या तथ्य हो सकता है। पहले तो हमने बात किया कि हो सकता है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से अपने आप को बैलेंस कर पा रही है, या जो इन्होंने बताया कि सेंसर लगा हुआ है जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है, वो भी रीज़न हो सकता है दोस्तों। अगर आपको कोई और रीज़न पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों आज हमने कुछ तथ्यों के बारे में जाना, और ऐसी वीडियो जानने के लिए, इस वीडियो के और जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनके अंदर के तथ्य को जानने के लिए, उनके अंदर की बातें को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।